अलवर की उद्योग नगर पुलिस के शिकंजे में आए शातिर गुनहगार को जरा गौर से देखिए। इसकी वारदातें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसका नाम भी जान लीजिए। इसका नाम है असलम उर्फ चिल्लू। ये वो शातिर है जो अपनी गैंग के साथ लूटता था एटीएम मशीनें, जिनमें होती थी लाखों की नकदी, और जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस इतना परेशान हो चुकी थी कि आखिर इसके सिर पर 2000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। गिरोह का सरगना अपने साथियों के साथ अब तक करीब 60 लाख की नकदी लूट चुका है। इस गिरोह द्वारा अलवर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, उद्यम सिंह नगर, हिमाचल प्रदेश और नोएडा से एटीएम मशीनें उखाड़कर चोरी कर ले जाने की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। एक ऐसा अंतर्राज्यीय गिरोह का जो सरगना है, जिसकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि एटीएम की मशीन को ही उखाड़ कर ले जाते हैं और इस तरीके की वारदातें की है। वारदातें इन्होंने न सिर्फ अलवर में बल्कि यूपी, गुड़गांव, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नोएडा इत्यादि जगह भी की है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस गिरोह ने पुलिस की नाक में कैसे कर दिया था दम। तारीख 16 जुलाई 2015 रात के समय गुड़गांव में होंडा चेक पर लगे एचडीएफसी बैंक के एटीएम को अपने साथियों के साथ उखाड़ लिया गया। उसमें रकम थी 91,000 रुपये। तारीख 7 अगस्त 2015 रात के समय द्वारका कोलाडेरी नई दिल्ली में स्थित आंध्रा बैंक के एटीएम को अपने साथियों के साथ उखाड़ लिया गया, जिसमें थे 15 लाख रुपये। तारीख 22 जून 2015 जिला उद्यम सिंह नगर उत्तराखंड के रुद्रपुर में अशोक लीलैंड कंपनी के बाहर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम में थे उस समय 7.5 लाख रुपये। तारीख 25 मई 2015 बरेली के शीशगढ़ इलाके में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को अपने साथियों के साथ उखाड़ कर ले जाना स्वीकार किया, जिसमें रकम थी 15.5 लाख। तारीख 26 नवंबर 2014 तिरुपत चेक नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया गया। वारदात के समय एटीएम में थी 7.5 लाख की नकदी। तारीख 2 मार्च 2015 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम को भी असलम और चिल्लू और इसके साथियों ने उखाड़ा और 16.5 लाख रुपयों से भरा एटीएम अपने साथ ले उड़े। तारीख 31 दिसंबर 2013 तिजारा थाने के अंतर्गत शेखपुर गांव से मेगा हाईवे पर लगे पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाले गिरोह का सरगना। इस एटीएम को अलवर के थाना उद्योग नगर क्षेत्र के ग्राम पाली में कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन उसे फेंकने से पहले उसमें रखे 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। वाकई इन वारदातों से साफ हो जाता है कि ये गैंग अपनी वारदातों को किस तरह अंजाम देते रहे। इस गिरोह ने 16 दिसंबर 2013 की रात राजगढ़ थाना इलाके में एक गार्ड से मारपीट कर एटीएम ले जाने का प्रयास किया था। इस मामले में भी यह आरोपी वांछित चल रहा था। इस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इसके पीछे लगी थी और आखिरकार इसे फिरोजपुर झिरका से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो मुलजिम है हमारे राजगढ़ के अंदर, जो दिसंबर 2013 में जो 16 लाख रुपए केस सहित एटीएम लूट के लेके गए थे और एमआईए में जिस एटीएम मशीन को डाल दिया था उसके अंदर वांछित है। राजगढ़ में भी इन्होंने एटीएम ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन मकान मालिक के जागने की वजह से पूर्णतः उस प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे। उस प्रकरण में भी वांटेड है। इसके अलावा ये पलवल और पुनाना हरियाणा में भी वांटेड है। फिलहाल अलवर पुलिस अब इस शातिर गुनहगार से गहन पूछताछ में जुटी है और पुरानी हर वारदात की कुंडली खोली जा रही है। इस बदमाश की गिरफ्तारी के बाद अब अलवर पुलिस को उम्मीद है कि इससे दूसरे गुनाह के राज भी खुल सकते हैं।